हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अप्रोज और आप देख रहे हैं जहां आर्ट कलेक्शन। दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है और आज हम जानेंगे थर्मोकोल पर लेटर ग्राफ करना और उसे कटिंग करना। और चलते चलते कर दीजिएगा वीडियो को लाइक एंड शेयर, और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। आप इस तरह का जेल पेन से या स्केच पेन से मार्किंग कर सकते हैं, और दूसरा तरीका आप ब्रश और कलर के सहारे कर सकते हैं। आइए पहले देखते हैं इस जेल पेन और मार्कर के सहारे। इस तरह से सिंपल आपको अगर लिखना है, एक अंदाजा से मार्किंग लगा लें। अब देखते हैं इस जेल पेन से। अगर आप इंग्लिश लिख रहे हैं तो इस तरह से लाइनिंग कर लें, जिससे आपका लेटर बराबर रहेगा। जितना बड़ा लेटर लिखना चाहते हैं इस तरह से। अब आपको हिंदी लेटर लिखने के लिए इस तरह से मार्किंग करना होगा। ऊपर में दो लाइन और यहाँ पर आप लेटर का ऊंचाई के हिसाब से नीचे एक लाइन। ये आपका ऊपर का लाइन हो गया और ये लेटर का ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए इस पर लिख के देखते हैं।
दोस्तों अब दूसरा तरीका है, आप इस तरह से कलर और ब्रश के सहारे मार्किंग कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लाइनिंग करना होगा इस तरह से। एक तरीका होता है जिसमें डायरेक्ट हम फेविकोल का घोल से लिखते हैं और उसमें अबरक यानी बुरादा डालते हैं, तो उसमें फिनिशिंग करने की ज़रूरत होती है। लेकिन ये तरीका ये काटने के लिए है, इसमें हम अभी अबरक या बुरादा डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर रहे हैं। अब मार्किंग के बाद बारी आती है कटिंग करने की, तो आइए हम बारी बारी से जितने भी अक्षर मार्किंग किया उसको कटिंग करके देखते हैं। तो मैं इस ब्लेड के सहारे भी काट के दिखाऊंगा आपको, और इस ब्लेड के सहारे भी, और मेरे पास जो मशीन है उसके सहारे भी काट के दिखाऊंगा। आइए पहले इस ब्लेड के सहारे काट के देखते हैं। अगर आपको सीधा कटिंग करना है तो उसके लिए आप इस ब्लेड का यूज कर सकते हैं, इससे बहुत ही फिनिश कट जाता है। अब देखते हैं इस ब्लेड के सहारे कटिंग करके। सही तरीका से कटिंग करने के लिए आपको ब्लेड को इस तरह से 90 डिग्री के एंगल में रखना होगा, तभी लेटर सही रूप से कटिंग हो पाएगा। ये देखिए लेटर कट चुका है। दोस्तों अब मैं कटिंग करने वाला हूँ इस मशीन से, तो मेरा मशीन रेडी हो चुका है।
ये देखिए यहाँ पर कट चुका है, और जहाँ पर आपको इस तरह से कलर नहीं नज़र आ रहा है वहाँ पर मैं इसको फिनिश किया हूँ। इस पर आप जब अबरक चढ़ाएंगे तो ये फिनिश आ जाएगा। ये देखिए ये भी कट चुका, और काटने के बाद ये निकालने में एकदम आसान से निकल जाता है। बिलर से कटिंग के बाद जिस तरह से दिक्कत होती है निकालने में, अलग करने में, वैसा इसमें नहीं होता है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैं जितना भी ग्राफ किया था उसे अब फाइनली कटिंग कर चुका हूँ। इस एस को मैंने काटा था ब्लेड से, जबकि शुभ लिखा हुआ को मैंने काटा मशीन से। दोनों के चिकनाहट में अंतर नज़र आता है। तो दोस्तों ये था मार्किंग करके लेटर कटिंग करने का तरीका, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इस पर अबरक यानी बुरादा चढ़ाने का प्रोसेस। और कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर।